पाकिस्तान के साथ मैं हूं नईम रियाज। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे इंसान के पास, ऐसे शख्स के पास जिन्होंने जो है कंप्यूटर में जो है मास्टर डिग्री हासिल की, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो जॉब नहीं मिली। जॉब ना मिलने की वजह से उन्होंने अपना दिल हल्का नहीं किया, उन्होंने अपने दिल पे नहीं ली और उन्होंने जो है वो एक फिंगर चिप्स का जो है वो स्टॉल लगाया। स्टॉल लगाने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो है वो अपना फिंगर चिप्स का काम शुरू किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से आप काम कर रहे हैं? सर 98 से कर रहा हूँ मैं ये काम। नहीं तो मास्टर डिग्री कंप्यूटर में करने के बावजूद भी आप जो है वो आपको जॉब नहीं मिली? सर पहले 2-3 साल स्ट्रगल की, इसके ना मिलने की वजह से फिर मैं ये काम तो ऑलरेडी चल रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना प्रोफेशनली तौर पर लेके चला जाए, अच्छे तरीके से इसको अपना प्रोफेशन ही बनाया जाए। तो माशाल्लाह से आप इधर जो हैं वो कितने लोग जो हैं वो आपके अंडर काम करते हैं? सर मेरे साथ 3 लड़के और काम करते हैं, मुझे मिला के टोटल 4 बंदे हैं वो जो इससे मतलब मेरे साथ अटैच है। इस वक्त काम जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आस्ता आस्ता इंसान अगर उसमें मेहनत दिल लगी और दिलचस्पी से काम करे तो अल्लाह क्यों नहीं बरकत देता देता है। आपके सामने मेरी मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 3 बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं तो मैं कुछ कमा रहा हूँ, उनको भी दे रहा हूँ और अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी दे रहा हूँ, अपना भी रोजगार अच्छे से मतलब घर का खर्चा चला रहा हूँ, माँ बाप के साथ भी अटैच हूँ। मेन जो मेरा पर्पज है, जो गोल है, वो भी मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छे स्कूलों में ट्यूशन अच्छी चीज, क्योंकि मुझे पता है इस बात में तालीम हासिल करना है। मेन मकसद ये नहीं कि आपने जॉब भी लेनी है, मेन मकसद तो ये बात है इंसान को अपने आप के बारे में, अपने इन्वायरमेंट और माशरे के बारे में अच्छे बुरे की तमीज आए। जी भैया इधर आते हैं, यहाँ पे बैठ के दोस्तों से बातें करने का मौका मिलता है, चिप्स बहुत अच्छी है इनकी और इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत भाई भी बहुत प्यार करते हैं इनके पास आते हैं। तो आप तीनों दोस्त इकट्ठे हुए हैं? जी आज हम इकट्ठे हैं, लेकिन कभी किसी और के साथ आ जाना, दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी जगह है ये। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये पॉइंट और चिप्स कैसी है इनकी? माशाल्लाह इनकी चिप्स बहुत मज़े की है, तो दोस्तों के साथ आते हैं यहाँ पे। की चिप्स जो है ना वो कास भाई की बहुत अच्छी चिप्स है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं ये, तो इसके बावजूद ये रोड पे काम करते हैं। हम तो बच्चों को भी लेके आते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, इनकी चिप्स बड़ी लजीज होती है, क्रिस्पी है, तो बड़े नाइस आदमी है, इनका इखलाक बहुत अच्छा है, तो बच्चे भी बड़ा इंजॉय करते हैं इधर आके, बहुत नाइस आदमी है ये, तो इसलिए इनके पास रश रहता है अक्सर ही, जब भी आओ तो वेट करना पड़ता है, कभी आधा घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 1.25 घंटा तक भी लग जाता है। देखो रोड की सूरत हाल देखो, इसके बावजूद भी माशाल्लाह कितने लोग आते हैं इनके पास।